हेलो फ्रेंड्स, खमा गणिसा आज मैं आपके सामने ले आई हूँ गणगौर सीरीज 2। तो मैं आज आपने बताऊँ गणगौर पूजन रो महत्व, गणगौर ऑफ फेस्टिवल। गणगौर एक एडो त्यौहार है जके ने हर स्त्री द्वारा मनाया जावे। इनमें कुंवारी कन्याओं ले विवाहित स्त्रियाँ दोनों पूरी विधि विधान गणगौर की पूजा करें। गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती री पूजा करी जावे। इन पूजा रो महत्व कुंवारी कन्या रे लिए है, अच्छे वर री कामनाओं ले रहे, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति री दीर्घायु के लिए करे। तो इन त्यौहार में कन्या और विवाहित स्त्रियाँ दोनों ही सोलह श्रृंगार कर पूरी विधि विधान पूजा करें। तो गणगौर सेकंड नंबर में आते हैं कि गणगौर पूजारी सामग्री। तो जिन तरह पूजा रो महत्व है उन्हीं तरह पूजारी सामग्री भी पूर्ण होनी चाहिए। तो इनमें देखो लकड़ी री बाजोट माते, तांबे रो कलस, होली री राख, दो मिट्टी रा गमला, दीपक, कुमकुम, चावल, मेहंदी, अबीर, काजल, घी, फूल, दूध, पानी भरी कलस, पान रा पत्ता, नारियल, सुपारी, गणगौर रा कपड़ा, गेहूँ और गणगौरी चूनरी। अपने मारवाड़ में स्त्रियां 16 दिन गणगौरी पूजा करें। आ चैत्र मास रे शुक्ल पक्ष रे तीज रे मनाई जे करें। तो गणगौर माता री कथा। गणगौर माता री कथा में है कि एक राजा और एक माली हो। राजा तो जो चना बोया और माली दो बोई। राजा रा जो चना तो बढ़ता जावे पर माली री दो घटती जावे। तो एक दिन माली दोब में चादर ओढ़ सो गयो। तो लड़कियाँ आई और दोब तोड़न लगी तो माली पकड़ लियो। माली पकड़ और कहियो कि चोरिया क्यों मारो डोरो को से, क्यों मारो हार को से। तो लड़कियों ने कहा कि 16 दिन गणगौर की पूजा हो जाएगी तब हम पूजा पा तुम्हें दे जाएंगे, अभी माली जी हमें छोड़ दो। 16 दिन पूरे हुए, चोरियाँ आई पूजा पा देने। माँ से बोली कि तेरा बेटा कहाँ है। तो माली की माँ बोली वह तो गाय चराने गई है। तो लड़कियाँ ने कहा है कि पूजा पा कहाँ रखे। तो माँ ही ने कहा कि ओबरी गली में रख दो। तो लड़कियों ने ओबरी में पूजा पा रख दिया। जब माली गाय चरा के आया तो माँ से बोला कि लड़कियाँ आई थी। तो माँ ने बोला हाँ आई थी, कि पूजा पा लाई थी, कि हाँ लाई थी, कहाँ रखा, कि ओबरी में रखा। तो माली गया और ओबरी को लात मारी तो ओबरी का दरवाज़ा नहीं खुला। तो माँ को आवाज़ लगाई तो माँ ने कहा कि ओबरी तू ओबरी का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा है तो पराई जाए तू कैसे ढाबेगा। तो माँ से कहा माँ मैं पराई जाई को ढाब लूँगा पर ओबरी ना खुले। माँ आई आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी अंगली में से मेहंदी निकाली और छींटा दिया और ओबरी का दरवाज़ा खुल गया। उसमें देखा कि एक छोटे से ईश्वर और गणगौर बैठे हैं। सारी चीज़ों में भंडारा भरिया पड़ा है। गणगौर माता जैसे माली के बेटे को टूटा वैसे सबको टूटना कहते सुनते और हुकारा भरने वाले सभी को टूटना। बोलो गणगौर माता की जय हो। अब गणगौर माता का सेकंड स्टेप है कि गणगौर माता की पूजा के समय गाया जाने वाला गीत, घूर रे गणगौर माता खोल रे की वाड़। ये गाना गाया जाता है। तो इन तरह गणगौर री कथा और गीत रे साथे पूजा करी जावे। तो सा अब चला आपे गणगौरी पूजा री तरफ। तो अठे मैं सब लोग गणगौर वास्ते खेजड़ी री पूजा करा और अबे करी साक्या पूजा। तो ए है दोनों ही मोर भाभी सारे साक्या। तो दो हाक्या तो सा है कि पन्नेड़ा और दो ही कमारा। तो ए भी करे हमें खेजड़ी री पूजा। तो गणगौर में आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा टेबल बताऊं। तो सब पहला गणगौर त्यौहार मनाई जा करे, कणा मनाई जा करे वो आपने बता दियो, वो भी शुभ मुहूर्त मनाई जा करे। उन बाद में गणगौर पूजा रो महत्व और उन्हें हाथे लागण वाली सामग्री, पचे उद्यापन री सामग्री, क्योंकि उद्यापन करे तो तीजणिया ने खाणो खिलावे, वो खाणो कहीं खिलाणो चाहिए, वो सब त्यौहार में तैयारी करनी पड़े। गणगौरी पूजा री विधि कहीं होया करे, सब कथा करने उले और पूरी पूजा होने तक री सब विधि बताई जा करे। उन्हें बाद में गणगौर माता री कहानी कहवे, गणगौर पूजते टाइम कियो गीत गाया करे, प्रारंभ रो गीत कियो है, 16 बार पूजा रा गीत भी अलग है,
उन्हें बाद में पाठा दौड़ने रो भी गीत है, ओड़ो खाणो खोड़ो गीत भी है। उन्हें बाद में गणपति जी री अपने गणेश जी री भी कहानी कही जा करे। पचे अर्घ देवे तो भी गीत अलग आया करे, अर्घ रा गीत, गणगौर ने पानी पिलाने रा गीत, पानी पिलाने रा बाद में गणगौर रे उद्यापन री सारी विधि, यह सब इमाने होया करे। तो अटे सा मारे भाई साहब और बाबी साहब दोनों ही खेजड़ी री परिक्रमा देवे। तो गणगौर में किन्नी पूजा की जाया करे, गणगौर भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा की जाया करे, जके ने सर और गणगौर कही जाया करे। तो गणगौर पूजते टाइम 16 बार जकी पूजा की जावे, जके टाइम गीत गाया करे, गौर गौर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती रा आला टीला गोरा का सोना टीला, टीला दे टमका दे राजा रानी बर्तन दे, करता करता आस आयो आयो खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो बीरो ले गटकायो, साड़ी में सिंगोड़ा बाड़ी में गिंजोरा, सान माल सोला ईसर गोरजा, दोनों को जोड़ा रानी पूरे राज में, सोने को सुहाग में, रानी को राज घटतो जावे मारो सुहाग बढ़तो जावे, कीड़ी कीड़ी कीड़े दे कीड़ी थारी जात दे, जात पड़ी गुजरात दे गुजरात थारो, पानी आयो दे दे खंबा पानी आयो, आख फूल कमल की डाली माली जी दूब दे, दूब की डाल दो डाल की किरण दो, दो किरण मंजे दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो 16 बार पाटा धोते हैं और ये गीत गाते हैं। तो पाटा धोते समय गीत गाया जाता है, पाटो धोए बीस बहनरी पाटो दो, पाटो ऊपर पीलो पाट मैं जास्या बीरा की जान, जान जास्या पान जास्या बीरा ने परवार, जास्या अली गली में सांप जाए भाबू तेरो बाप जाए, अली गली में गाए जाए भाभी तेरो माए जाए, दूध में डोरो मार मारो भाई गोरो, खाट पे खाजा मारो भाई राजा, थाली में जीरा माई मारो भाई हीरा, थाली में पता सा बीरा देख बीरा तमाशा, ओखली में धानी छोरिया की सासू कानी। ओडो वाला गीते ओडो छे खोड़ो छे गुगराए रानी माथे मोर, ईश्वर दास जी गोरा छे गुगराए रानी माथे मोर। इस तरह अपने घर वालों का नाम लेते रहते हैं और ये ओडो खोलो का गीत गाते रहते हैं। उसके बाद में गजानन जी की कहानी की जाती है और इधर आप देखिए कि सारी तीजड़ियाँ भी खेजड़ी की परिक्रमा दे रही है। तो परिक्रमा देने के बाद में अरक दीजिया करे, तो अरक रो भी गी तो या करे, अलखल अलखल नदियाँ बहे छे यो पानी कहाँ जायो छे, आधा ईसर नायो सात सुई पचास धागा सीधे दर्जी का बेटा, दर्द ईसर का बाग सिमता सिमता दस दिन लाग गया, ईसर ते थारा पधारो गोरा जाए, बेटो अर्धा तानू पर्दा हरिया गोबर गोली देसू मोतिया चौक पुरासू देसू। इस बार कहते हुए ये भी 16 बार गाया जाता है। और उस तरफ हो गई है सारी पूजा और यहाँ मेरे भाई और घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो सा घर में प्रवेश करने को पहले बस आ गया कि लो सवाई आप तो कर दो यहाँ इतलार थी। तो मैं हमारे बीरो सा और बीनी सारी आरती करूँ और अटे मारे बाबा माने नेक दे मारे नेक में पहला अठे डोली जी ने नेक दिया करे। तो डोली जी ने नेक देने बाद में मैं भाभी मने दिया नेक और अठे मैं भाई साहब और भाभी सारी आरती करी हूँ बड़ा बड़ा भी। थोड़ी मार रुको यही अब मार रुको थोड़ी यही रुको हमें अटे में छोटोड़ा भाई साहब और भाभी सारी आरती करूं तो इन दिन भी तो जगह ही है कि मारे छोटोड़ा बाबा रे थोड़ा सा मुंड माता आपने दिखे
छोटी माता निकली उड़ाए थोड़ा सा यार वास्ते कठिन हो तो क्योंकि अच्छा बड़ा निकली उड़ा पर चलो हो गया कोई नहीं। अब आरती होने बाद में अठे दोनों ही जोड़े हूँ बैठ और आटेरा गुणा चढ़ाया करें तो ईश्वर और गणगौर माता ने आटेरा गुणा और चूरमो चढ़ा और यारे खानो खिलावे उन्हें बाद में तीजड़िया ने खिलावे तो अटे दोनों ही जोड़ा बैठ और याने खानो खिलावे तो चूरमो और गुणा चढ़ाने बाद में सब तीजड़िया बैठ और गुणा मेहंग लुगा रही पूजा होगी है हमेशा क्या चढ़ावे गुणा तो ए मारे भतीजा है ए भतीज बना गिणगौर ने दबा दबा जिमावे ए मारे बाबा है बीच में मोर भतीजा बैठा है पर यही मोर बाबा है और हमें लास्ट में मैं आई मैं ही चढ़ाओ कर दूँ भाई मैं भी तो तीज नहीं हूँ मैंने भी तो चढ़ाओ करना है तो लास्ट में मैं चढ़ाओ करने बैठी हूँ मैं और मार भतीजी चढ़ाओ करा और मारी गुड़िया भी आएगी अभी तीजड़ी में ही है तो मारी गुड़िया भी चढ़ाओ करे चढ़ाओ होने बाद में सभी तीजड़िया ने बैठा और खानो खिलावे और ए मार भाभी सा पल्ले हवा डाले तो मोर मारवाड़ में है कि कोई भी उजमणो या आप कोई भी ब्राह्मण ने खानो खिलाओ जिमाओ तो वहाँ ने जरूर पल्ले हवा खिलानी चाहिए तो खानो खिलाने बाद में हमें तीजड़िया बाहर निकल रही है तो वहाँ ने सा के बीच में ही रोक दिया करे कि सब अपने पति रो नाम ले और उन्हें बाद में बाहर निकल खानो खाने बाद में साख भराया करे तो दोनों ही साखिया बैठा है और भाभी सा दोनों ही साखिया ने साख भरावे तो उन्होंने उड़ावनी ड्रेस नारियल पया दिया करे और कान पकड़ बोलिया करे कि बोल साखिया हमारी साख भरी तो साखियों आकार भरे का हाँ सा भरूँ तो अटे साखी बोले हाँ सा भरूँ भाभी सा अटे छोटोड़ा बीरू भी साख भरे बाबा जी छोटोड़ा काकू सर बेटा है और छोटो बीरो सा हमारी साख भरी है ने भी उड़ावनी ड्रेस और नारियल पैया दे साख भरा है साख भरी है अब तुम्हारी कान पकड़ और पूछे के साखिया भाई मार का साख भरी ए भाभी सत कान जोर ही खींचे साखियार कान पकड़े बाद में साखियों पाछू तीजनी कान पकड़े कह के हमें आप बताओ मोरे बाबा रो नाम तो भाभी सा बाबा नाम बताई जब उन्हें बाद में वे कान छोड़े तो दोनों ने साख भरीज भी है हमें कवारा साखिया तो कवारा साखिया दोनों बैठ गए आपने ओडावड़ी ड्रेस लेना वास्ते तो ये दोनों ही मोर भतीजा है बड़े पापा रो पोता है एक मारा भतीजो है तो हमें यार दोनों री साख भरी जाए तो ये बड़ा वाला भाभी सा भरे साख लो भाई दोनों पाल गोटी मान बाजोट माते जाने टीको झील तो भाई बढ़िया है प्रोग्राम बढ़िया तरीके मने तो यहाँ ने भी वही तरीको है जो को पहला वाला ने साग भरने टाइम कान पकड़न बोलिया करे पाचो ए भी बोल पकड़े करे साखिया कान पकड़ के भरे काकू सारो नाम बताओ तो भाभी सान नाम बतावे और इन तरीके साख भरी जा करें तो यहाँ ने भी ड्रेस उड़ावनी और दे दी और साख भरा दी और सब प्रोग्राम होने के बाद में घूमर
गल तो सब बट घूमर गा रहे हैं ए मोर बॉस है रोल मत नाचे मेरा बॉस बहुत बढ़िया डांस करे मेरा बॉस बहुत अच्छा डांस करे मोरे खाने को गवन आने और बड़ो खुश है और अठे मने विदाई गीत गावे कुछ तो इन तरीके मैं गणगो रूदियापन मनायो हूँ और हम मैं लोग रवाना हो गया हूँ तो आप मने कमेंट बॉक्स में बताई दियो कि मारो आज रो ब्लॉग आपने कैडो लागो है अगर बढ़िया लागो तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताई दियो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो सब्सक्राइब यहाँ से बेल आइकन जरूर दबाई दो तो मिला अगले नए ब्लॉग के साथ जब तक रखो आप रोटी सारे ख्याल।